सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूँ। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए। जिस केस में याचिकाकर्ता और सरकार एक तरफ एक तरह की दलील दे रहे थे, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला। समाज में लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी भाषा को भी खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह ट्रोल की भाषा आ चुकी है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। दिस इज अ डेमोक्रेसी, इट इज नॉट एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। वी नीड टू रिमाइंड दिस गवर्नमेंट। अरे हाय रे हाय ये डेमोक्रेसी, सांप के मुंह में छुछुंदर जैसी, उगली जाए ना निगली जाए, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। आज जरा जरा से बात पर लोकतंत्र को खतरे में बताया जाना आम हो गया है। अपने अपने तरीके से लोग इसकी व्याख्या करने में लगे हैं। लोग भारत के उसी लोकतंत्र को खतरे की बात कर रहे हैं जहां कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या करने को वह गरीब भूखे पेट सोने को आज भी मजबूर है। यहाँ जब कंगना का ऑफिस बुलडोजर से तोड़ा गया, उसे भी लोकतंत्र की हत्या बताया गया। सवाल यही है कि क्या सच में अब लोकतंत्र खतरे में है? इसका जवाब आज के हालात से जानने की कोशिश करते हैं। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक भारत 51 स्थान पर आ गया है और 10 पायदान नीचे गिर गया है, यानी पिछले साल भारत 41वें स्थान पर था। पहले बात करते हैं मीडिया की, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। पिछले कुछ समय से मीडिया सत्ता में बैठी सरकार के सिर्फ गुणगान ही गाता दिखाई दे रहा है और उसकी तारीफ भी खुलकर करता दिख रहा है। अपने फैसलों से सरप्राइज देना नरेंद्र मोदी की फितरत है। वो ऐसे कदम उठाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए कहते हैं रिस्क के आगे मोदी है। आपको दिखाते हैं देश की सियासत में गहरी छाप छोड़ते प्रधानमंत्री मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर पर ये स्पेशल रिपोर्ट। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। हाल ही की कुछ घटनाओं की बात करें तो सुशांत केस में मीडिया की भूमिका किस तरह की थी, ये तो पूरे देश ने देखा। एक मुद्दे को मीडिया बार बार दिखाता रहा है और अभी भी जारी है। इस सब के बीच किसानों का आंदोलन शुरू हुआ केंद्र सरकार द्वारा लाई 3 अध्यादेशों के खिलाफ। एक तरफ किसानों का आक्रोश, विपक्ष भी किसानों के साथ सरकार की आलोचना करने में लगा था और इसी बीच मीडिया सरकार के बचाव में उतरा रहा। विरोधी दलों का इल्जाम है कि इस तरह से APMC यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म हुई तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP नहीं मिलेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा यह सब झूठ है, बेकार की बातें हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूँ। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। किसानों की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा किसानों ने न तो बिल पढ़ा है, न उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न उन्हें कानून के बारे में बताया गया है। किसानों को उतनी ही बात बताई गई जितनी विरोधी दल कह रहे हैं। अलग पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपना समर्थन देकर अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन इनसे करवा रही है। ये सब इन्हें लिख कर दिया गया है ताकि ये प्रदर्शन करें, फिर इनकी तस्वीर TV पर आएगी और फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा। अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि मीडिया की आज़ादी की बात करें तो हमारे देश का स्थान 142वें स्थान पर है। यहाँ भी हम 2 कदम नीचे गिरे हैं पिछले साल से। इसके अलावा ज्यूडिशरी भी हमारे 4 पिलरों में से एक गिनी जाती है। कोर्ट जो मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं उन पर खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर देता है और जो मुद्दे जरूरी होते हैं उन पर देरी करता रहता है। ऐसा एक उदाहरण हमें प्रशांत भूषण के केस में देखने को मिला। प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति उनके 2 अपमानजनक ट्वीट के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें सजा के रूप में 1 रुपए का फाइन लगाया गया था। अगर बात करें जो सरकार के करीबी होते हैं उन्हें कोर्ट से जल्दी राहत मिल जाती है और जो नहीं उन्हें अदालतों में सालों तक घसीटा जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी दी वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने। यह अपूर्व विश्वनाथन की खबर है इंडियन एक्सप्रेस में। इस खबर में कहा यह गया है, इस खबर में क्या है
कि सुप्रीम कोर्ट में 10 ऐसे केसेज आए फ्री स्पीच के, उन केसेज को अगर विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जिस केस में स्टेट और पेटिशनर, याचिकाकर्ता और सरकार, एक तरफ एक तरह की दलील दे रहे थे, वहां तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला, लेकिन जिस केस में स्टेट मतलब सरकार एक तरफ और याचिकाकर्ता दूसरी तरफ, वहां याचिकाकर्ता को रिलीफ नहीं मिला ज्यादातर केस में। अर्णब गोस्वामी ने 21 अप्रैल को टीवी शो में सोनिया गांधी और पालघर के बारे में बहुत कुछ कहा था। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट से अर्णब को बड़ी राहत मिल गई, यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। गोस्वामी, नुपुर शर्मा और देवगन के ठीक उलट विनोद दुआ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में दर्ज मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर स्टे करने से इनकार कर दिया। भारत में चुनाव में जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वह आपत्तिजनक था। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें या तो राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है या फिर उन पर UAPA लगा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर सरकार द्वारा UAPA लगाया गया, इसके अलावा डॉक्टर कफील खान, उन पर भी NSA लगाया गया था, पर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। हाल ही में एक भाषण की वजह से उमर खालिद की भी गिरफ्तारी हुई है, पर दूसरी तरफ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों पर सरकार क्यों चुप है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? You are bringing the PM CARES Fund under the ambit of the same clause that governs the Prime Minister's National Relief Fund, the existing fund. What is the need to institute a new fund where one exists? Prime Ministers will come and go, but the existence of a fund is not up for discussion. What is this need to name everything after one individual? What is this need? This is a democracy. It is not an elected autocracy. We need to remind this government. NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में लोकतंत्र के मुद्दे पर बात की और अधिक जानकारी भी दी। इस साल लोकतंत्र को लेकर दो रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट न्यूयॉर्कर मैगजीन में छपी है, फ्रीडम हाउस नाम की अमेरिका की संस्था की है, जो कहती है कि पिछले 14 साल से आजादी में लगातार गिरावट आ रही है। फ्रीडम 2019 में 64 ऐसे देश थे जहां पर नागरिक अधिकारों पर, सिविल लिबर्टीज पर अंकुश लगा दिया गया। सिर्फ 37 देश ही थे जहां स्थिति बेहतर हुई। नागरिक आजादी में कमी आने वाले देशों में भारत का भी नाम है, और इस रिपोर्ट में अमेरिका के बारे में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है। तो संस्थाएं ही नहीं, समाज में लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी भाषा को भी खत्म किया जा रहा है। उसकी जगह ट्रोल की भाषा आ चुकी है, गाली, धमकी और भीड़ की भाषा। बोलने की इस नई व्यवस्था में शालीनता, विवेक और विचार का कोई स्थान नहीं है। IT सेल, न्यूज चैनल और ऐसे नेताओं की भाषा उदंड और खदेड़ने वाली हो गई है। हमने पिछले समय में देखा कि स्टूडेंट्स ने लगातार आवाज उठाई, पहले JEE और नीट को लेकर, इसके बाद SSC और रेलवे की परीक्षाओं को लेकर, और सरकार पर दबाव भी बनाया, जिसके चलते स्टूडेंट्स को कुछ सफलता भी हासिल हुई। इसके बाद स्टूडेंट्स ने बेरोजगारी के मुद्दे पर ताली थाली बजाई और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा मुद्दा कोरोना का भी है, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था, लेकिन इस सब पर चर्चा बंद है। खैर, ये तो कुछ घटनाओं का जिक्र हमने किया जो चल रही हैं। आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।